एक वर्ष होने को है लाड़ली बहना योजना को लागू की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये क्रांतिकारी निर्णय जो बहनों के पक्ष में लिया था उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, श्रीमान महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी, जिनका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा उनको इसलिए देता हूँ कि यदि पिछली सरकार श्रीमान सिंधिया जी ने ना बदली होती तो ये लाड़ली बहना योजना लागू ना हो पाई। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने लाडली बहना स्कीम से लाखों महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। क्या नाम है आपका? सुगवती। अच्छा, लोग जी लाडली बहना योजना का लाभ आपको मिल रहा है? हाँ, बहुत मिल रहा है। अच्छा, कितने रुपए आते हैं? 1250। हर महीने आते हैं? हर महीने। हाँ, तो कितनी किस्तें आ चुकी हैं आपके? 12 किस्तें आ चुकी हैं। तो लाडली बहना योजना के लाभ से आपके घर परिवार में जीवन में क्या बदलाव परिवर्तन आए? सरकार पैसा दे रही है, बहुत खुश है, सब काम चलता है। सब काम चल रहा है आपका? बढ़िया। हाँ, सब काम चल। खुश हैं आप सरकार की योजना? हाँ, से बहुत खुश हैं। खुशियों की ये दास्तां एक वर्ष पूर्व जून माह के वर्ष 2023 में आरंभ की गई थी। एक वर्ष से लाडली बहनों के बैंक अकाउंट में 1250 रुपए हर माह मध्य प्रदेश की सरकार डाल रही है, जिससे अशोकनगर विधानसभा की लगभग 56,000 महिलाएं लाडली बहना योजना से जुड़कर लाभान्वित हो रही है। आपका नाम क्या है? कमलेश। आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। कितनी किस्तें अभी तक आपकी आ चुकी हैं? 12 किस्तें आ चुकी। सब अच्छा हो रहा है, सब लाभ मिल रहा है। और क्या, 1250 रुपये आते हैं, हमें सरकार की योजना अच्छी लगी और मुझे तो खर्चा पानी निकलता है मेरा। और क्या। भाजपा नेता और अशोकनगर के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने रेडियस मीडिया के माध्यम से प्रदेश शासन की लाडली बहना योजना को खुशियों की योजना बताते हुए इस योजना की सार्थकता पर एक साल पूरा होने पर अपनी बात रखी। लजपाल सिंह जज्जी ने इस योजना को बेमिसाल बताया। लाडली बहना योजना से जुड़कर हजारों परिवारों में खुशियां आई हैं। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारी बहनों के जीवन में क्रांतिकारी इतना बड़ा बदलाव आया है और महिला सशक्तिकरण की और ये मील का पत्थर साबित हुई है योजना। और अशोकनगर विधानसभा में लगभग 56,000 लाडली बहना है जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है और उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, बदलाव आया है और वो एक तरह से अपने खुशहाल जीवन जी रहे हैं। लेकिन उसके लिए चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ये योजना पूरा प्रयास, चूँकि हम जनप्रतिनिधि के नाते हम लोगों ने लगातार गाँव गए, लोगों को जागरूक किया, खुद ने भी कैंप लगाए, अपने लोगों को बिठाया, कंप्यूटर सारी जानकारी कलेक्ट की और कोशिश ये रही कि एक भी जो पात्र बहन है वो इस योजना से वंचित ना रह जाए। वो प्रयास सार्थक हुआ। सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि सारे लोगों ने इसमें और प्रशासन का भी भाई सहयोग, वो सारे लोग साधुवाद के पात्र हैं कि आज बहनें खुशहाल जी। जनप्रतिनिधि थे हमारे, चाहे वो पार्षद हों, सरपंच हों और शासकीय मशीनरी के सारे पंचायत सेक्रेटरी, सचिव, नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, सारे लोग, सबका योगदान रहा है, सब लोग साथ बात।